अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं कबीर राजपूत एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। इस वक्त मैं हूं मिस्र के खूबसूरत शहर कायरो के अंदर, और जहां पे मैं खड़ा हूं इसे ओल्ड कायरो बोलते हैं। और आप ज़रा बिल्डिंग देखो, बहुत ही खूबसूरत ओल्ड आर्किटेक्चर यहाँ आपको देखने को मिलेगा। साइड्स में आपको लोकल शॉप्स, सुवेनियर शॉप्स आपको देखने को मिलेंगी। इस तरफ भी कुछ भी बाय कर सकते हो आप, एंड इस तरफ अगर आपको भूख लगी है तब भी आप क्या नाम है फ्रेश हो सकते हो। कायरो, ओल्ड कायरो की मुझे एक बात अच्छी लगी कि लोग यहाँ पे अपने काम से काम रख रहे हैं। और सेकंड चीज़ कि अभी तक किसी ने मुझे स्कैमर्स ने मुझे अप्रोच नहीं किया, क्योंकि मैंने बहुत सी वीडियोस भी देखी थी और मुझे ये था कि कायरो में, क्योंकि जो सीन मेरे साथ हो चुका था अलेक्जेंड्रिया में, तो मुझे लगा कि मे भी अगर मैं इधर विज़िट करूँगा कायरो के अंदर तो यहाँ पे स्कैमर्स ज़्यादा होंगे। लेकिन फ़िलहाल तो ऐसा कोई सीन नहीं है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का ओल्ड आर्किटेक्चर, ओल्ड बिल्डिंग उस टाइम की, जिसका नाम है बैतुल सिहामी। आगे ही है, मुझे फिर से दोबारा चेक कर लेने दें। आई थिंक लेट मी चेक कितना यहाँ से कितनी दूर है। हाँ, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट की वॉक है। यहाँ पे आपको इस्लामिक ओल्ड आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। बैतुल सिहामी एरिया, इसको बैतुल सिहामी एरिया बोलते हैं। और ये सामने भी एक मस्जिद है। इस तरफ देखिए बिल्डिंग का आर्किटेक्चर कितना खूबसूरत है। और मुझे अभी आगे की तरफ जाना है, थोड़ा सा आगे इसको एक्सप्लोर करना है। सिटी का व्यू देखो आप। सो गाइज़, एक चीज़ मैं कहूँगा कि मुझे कायरो की अच्छी लगी, जैसे ही मैं इसके अंदर एंटर हूँ तो मुझे कोई एंट्रेंस फ़ीस देनी नहीं पड़ी। अदरवाइज़ आप कहीं भी जाओगे तो आपको एंट्रेंस फ़ीस 20 पाउंड या फिर 40 पाउंड आपको देने पड़ते हैं। लेकिन ओल्ड कायरो के अंदर जब भी आप आते हो आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए आप इवन के अंदर कुछ मॉस्क हैं उनको आप विज़िट करो, कुछ एरिया हैं उनको भी अगर आप विज़िट करते हो तब भी आपको पे करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टूरिस्ट के लिए, बेस्ट है। एक तो आपको पे भी नहीं करना पड़ रहा और ऊपर से आप इस्लामिक ओल्ड आर्किटेक्चर आपको देखने को मिल रहा है। और ये है एक और मॉस्क, पीछे जो मैंने देखी थी वो अल हाकिम मॉस्क थी, अंदर से खूबसूरत थी और उस पर भी कंस्ट्रक्शन चल रही थी। और आई थिंक इस मॉस्क में भी कंस्ट्रक्शन चल रही है। ओके, इस तरफ अगर आप देखो तो ये है एंटीक चीज़ें, टाइपराइटर्स, और ये फॉर सेल है। और ये कुछ फॉरनर बाय भी कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ पे म्यूज़िक भी प्ले कर रखा है इजिप्शियन स्टाइल। अंदर जा रहा था लेकिन अंदर जाने की टिकट है। अल हाकिम मॉस्क जो फर्स्ट पे मैंने विज़िट की थी उसकी टिकट नहीं थी, लेकिन इस मॉस्क की जो है टिकट है। और अभी मुझे टिकट काउंटर आई थिंक देखना पड़ेगा। पहले वाली तो फ्री एंट्रेंस थी अल हाकिम मॉस्क की, लेकिन इस मॉस्क अल अकमर मॉस्क जो है इसमें पे करना पड़ेगा। लेट्स सी, देखते हैं कि टिकट की क्या प्राइस है। अस्सलाम वालेकुम, हैव टिकट टू गो देयर? Ah, okay. Why it's called complex? Yeah. Because here, one place have three buildings. One place have three buildings. Okay, this one is a school. Okay. Ye madrasa hai. Madrasa.
Okay, okay, okay. Only name in all the times, all classes. Okay. But system education, like college now. No. But only just name in all the times from 800 years. 800 years. Complex. 13th century. One, mosque and the school, madrasa. Madrasa. Number two, Pimaristan. 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 What's that, Pimaristan? Pimaristan, old name in Egypt in this time for hospital. Ah, the hospital. So this one is madrasa, that one is hospital. And the Kalawun. This one is mosque. Mosque here. So Kalawun, yeah, when they built all of this complex, made this area special for him. Special for him. As grave or mausoleum. Mausoleum. Only for him and her family, not alone. Okay. Starting from here. Alright guys, we are starting from here. So, इसमें इसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इस जगह को कॉम्प्लेक्स कलावून कॉम्प्लेक्स कलावून 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 कम फ्रॉम तुर्किया एज अ स्लेव एज अ स्लेव ओके ओके बट विद टाइम बिकम ग्रेट सुल्तान और किंग फॉर इजिप्ट एंड अरब वर्ल्ड इन दिस टाइम दिस ग्रेव ऑफ सुल्तान ग्रेव ओके ये उनकी कब्र है सुल्तान की कब्र है ये हियर लाइक यू सी ये मुझे फ्री का टूर में दे रहे हैं सेकंड हाई टॉम्ब इन यूनेस्को साइगन लाइक दिस सेकंड हाई टॉम्ब आफ्टर ताज महल इन इंडिया दिस वन इज द सेकंड ताजमहल के बाद ये आता है ओके ताज महल नंबर वन मोर हाईएस्ट एंड दिस वन इज द सेकंड वन हाँ हाइट तो काफी है इसकी हाईएस्ट ऑफ टॉम्ब हियर जस्ट अबाउट 35 मीटर ओनली 35 मीटर ओके बट एंड दिस वन इज वेरी गुड दिस डोर फ्रॉम इंडिया Indian wood. It's an Indian wood. Oh, wow. One door is there, and this one is the second door. First door when you get in for the family VIP only family members but this door for public for the public anyone okay. Egyptian Arab who want to come to please this sultan oh after yeah he die, okay here not allowed to go inside guys stand here stop okay. anyone try ye kehna cha rahe hain ki ye do door hain jo pehle wala door jisse main enter andar aaya hu उस डोर से सिर्फ सुल्तान की फैमिली जो कि आती थी और इस डोर से लोकल कोई भी इजिप्शियन यहाँ पे सुल्तान से की कब्र देखने के लिए या फिर उनसे उस टाइम पे जब जिंदा थे मिलने के लिए आते थे सो गाइज अभी मैं बाहर आ गया हूँ कॉम्प्लेक्स से लेकिन मॉस्क विज़िट करनी है अकमर मॉस्क जो चीज़ें मैंने उसके साथ विज़िट की थी वो क्या नाम है उसमें मदरसा भी था उसमें क्या हॉस्पिटल भी थे लेकिन उस बंदे ने यार क्या ब्रीफली एक्सप्लेन किया है लेकिन एट द एंड वही हुआ जिसका मुझे डर था उसने बोला कि मैंने तुम्हें सारी चीज़ें बताई हैं तो मेक मी हैप्पी मेरे पास 50 पाउंड थे तो मैंने उसको 50 पाउंड दे दिए तो जिस तरीके से उसने मुझे एक्सप्लेन किया वो अमेजिंग था बहुत ही ब्रीफली उसने मुझे एक्सप्लेन किया सभी चीज़ों के अबाउट सुल्तान का जो टॉम्ब था और जो वुड इंडिया से आई थी और उसके अलावा पिलर्स आर्किटेक्चर मदरसा और हॉस्पिटल मेंटल हॉस्पिटल सब कुछ उसने मुझे एक्सप्लेन करके बताया तो खैर 50 पाउंड अगर मैंने उसको दिए हैं तो उसका उसके बनते हैं इवन के इससे ज़्यादा बनते हैं बट पहले पूछ लेना चाहिए था उसको कि मैं आपको टूर दूंगा तो मैं चार्ज करूंगा ऐसे ही मैं अंदर गया हूँ टूर स्टार्ट कर दिया उसने मुझे लगा थोड़ा सा एक्सप्लेन करेगा लेकिन तकरीबन आधा घंटा वो मुझे एक्सप्लेन करता रहा खैर अभी फ़िलहाल इसे विज़िट करते हैं Alright guys, मैं आ चुका हूँ
बाहर कॉम्प्लेक्स से, उसके अंदर बहुत कुछ देखने को था। अभी फिर दोबारा से स्ट्रीट पे ओल्ड कायरो को विज़िट कर रहा हूँ मैं। इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ क्योंकि ये बहुत लंबा व्लॉग हो गया है। नेक्स्ट व्लॉग शूट करता हूँ। टेक केयर, अपना ख्याल रखें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टा पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टा का लिंक भी मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, जाएं और जाके मुझे फॉलो भी कर दें, और कुछ कहना है, कुछ पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।